हेलो गाइस, क्या आप भी क्रेडिट बी से लोन लेना चाहते हैं? तो क्रेडिट बी से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे क्रेडिट बी डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि आ रहा है क्रेडिट बी, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो अगर आपको इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूँगा, तो उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्रेडिट बी को हम ओपन कर लेते हैं। मैंने जैसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है कि इससे लोन मिलता है नहीं मिलता है, मैं अपना प्रूफ दिखाऊँगा आपको कि लोन मिलता है या नहीं मिलता। चलो और कैसे इसकी रीपेमेंट की जाती है और कैसे ये ईएमआई बनाता है और कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट देता है। तो गाइस, जैसे मेरा क्रेडिट भी खुल के आ गया है, तो इसमें होम का बटन, जैसे मेरा एक लोन चल रहा है, 5000 का लोन लिया था मैंने, तो मेरे बैंक में 4650 रुपये आए थे और इसमें उनकी 350 प्रोसेसिंग फीस थी, वो कटी थी, तो इन्होंने मुझे 5000 का लोन ऑफ़र करा था। मैं आपको दिखा देता हूँ अपना माय लोन। मैं आपको अभी सब चेक करा देता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं। देखो, मैंने 5000 का लोन लिया था इनसे 25 अक्टूबर 2021, तो इन्होंने मेरी दो किस्तें बनाई थी, 3633 और 1537, दो महीने की, एक एक महीने बाद की किस्त बनाई थी। तो मैंने 3633 की पेड कर दी है। आप इसको फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, किसी के माध्यम से भी पे कर सकते हो उनकी ईएमआई को। और मैक्सिमम लोन लेने के लिए ये कम से कम लोन 4 से 5 हज़ार ही देता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को भी, दो चार दोस्तों को दिलवाया, तो मैंने ये देखा कि कभी उनको ज़्यादा मिल जाए मुझे कम मिला। उनको तो जबकि 3000 ही मिला, तो मेरे को मैक्सिमम उन्होंने 5000 दिया था। और अगर आपको अपनी लोन अमाउंट को इंक्रीज़ करवाना, तो आपको उनके एग्जीक्यूटिव से वीडियो कॉल बात करनी पड़ती है, जैसे मैंने करी थी। तो मेरी पहले उन्होंने 4000 की लिमिट थी लोन की, तो फिर मैंने बात करके मेरे 1000 रुपये और इंक्रीज़ कर दिए थे। तो मैंने अब जैसे 3633 की पे कर दी है, 1537। अब आप रीपेमेंट पे जाके इसकी रीपेमेंट कर सकते हैं। मैं रीपेमेंट भी दिखा देता हूँ इसी वीडियो में कैसे करने हैं। इसमें आप 1537 पे नाउ पे क्लिक करेंगे। मैं अभी फ़िलहाल क्लियर नहीं कर रहा क्योंकि मेरा अभी टाइम नहीं है। तो इसको आप डेबिट कार्ड के माध्यम से आराम से, नेट बैंकिंग से, UPI, बैंक ट्रांसफ़र, वॉलेट, किसी से भी कर सकते हैं। UPI से करोगे तो फ़ोन पे, गूगल पे आ जाता है आपका, वॉलेट आ जाता है तो आपका पेटीएम आ जाता है, बैंक ट्रांसफ़र आपका सीधा बैंक से पैसे काट लेते हैं, कोई इनकी फ़ीस नहीं होती बैंक से पैसे काटने के। और नेट बैंकिंग, जैसे कि आपको अपने फ़ोन में नेट बैंकिंग चलाते हो, और डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड से अपना कार्ड नंबर डाल के, आपके पास OTP आता है, तो आप उससे आराम से EMI भर सकते हो इसकी। तो और इसमें आपको क्या क्या चीज़ दी जाती है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक चीज़ ये, इन्होंने ये लिख रखा बैंक ट्रांसफ़र अप टू 2 लाख रुपए 12 महीने की, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ये अभी तो मेरे हिसाब से किसी को इन्होंने पूरा 2 लाख का लोन नहीं दिया होगा, मेरे हिसाब से अच्छे से अच्छे बंदों को भी नहीं दिया होगा इन्होंने लोन, ऐसा लिखा हुआ है। पर अभी ये, जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ये कम से कम ही लोन देते हैं, 5000 6000। अब मुझे पता नहीं है कि मेरे 5000 ख़त्म होने के बाद अब फिर मेरा लोन इंक्रीज़ करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। और ये इनका ई वाउचर होता है अप टू 1 लाख रुपये, तो ये कोई लेता नहीं है। क्रेडिट लिमिट, अगर आपके वो क्रेडिट बी का कार्ड लेना जिसकी 10000 की लिमिट है, वो अगर लेना ले लो, पर मेरे को ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं लिया था। और बस क्रेडिट बी में यार यही है, और तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही आप इससे लोन ले, नहीं तो आप यार ना ही लो तो बढ़िया है, क्योंकि इनके जो भी है ये हायर लोन अमाउंट नहीं देता। अगर ये ज़्यादा अमाउंट देगा, 4-5 हज़ार रुपये से किसका क्या चलता है यार, आप खुद सोचो। आप 4-5 हज़ार रुपये तो कोई किसी से वैसे ही मांग लेगा ना, तो वो वैसे ही दे देगा, मानता हूँ इनकी ब्याज कुछ भी नहीं। अब जैसे दो किस्तें बनाई इन्होंने मेरी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, 3633 और 1537, मतलब एक किस्त में मेरे से 3700 रुपये फालतू ले रहे हैं, और एक किस्त में से 133 रुपये, 133 57 200 रुपये, 200 लगा लो मोटे मोटे, हो तो 180-90 रुपये रहे, 200 रुपये लगा लो मोटे मोटे। और 350 प्रोसेसिंग फीस आपकी सभी बैंक काटता है, जो चाहे छोटा लोन अमाउंट दे चाहे बड़ा, तो इसको आप गिन नहीं सकते अपने अमाउंट के साथ। तो ऐसा तो कोई इतना महंगा नहीं है, बट लोन अमाउंट बहुत कम देते हैं ये। अब इसके बाद मैं देखते हैं गाइज, मेरा ये 25 अक्टूबर को ख़त्म है, और आज तो डेट आपकी 1 अक्टूबर, अभी 25 दिन है, तो मैं 25 दिन पहले इनको पैसा क्यों दूँ? चाहे मेरे को पैसा रखा है, पर मैं उनको पैसा क्यों दूँ? इन्होंने मेरे से ब्याज तो लिया ही है, या तो उन्होंने मेरे से ब्याज नहीं ली होती तो मैं इनको देता भी नहीं। तो वही है, मैं अब इसके पे करने के बाद मैं देखता हूँ कि अब दो चार बंदों सुनने में ये आया है कि एक बार इसका लोन क्लियर करने के बाद ये हायर लोन अमाउंट दे देता है। अब देखते हैं गाइस, ये जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊँगा
और पता चलेगा यार ये 2 लाख रुपए देते भी हैं या नहीं, कि सच है या झूठा। अभी तक तो यार कोई लोन नहीं दिया उन्होंने 2 लाख रुपए का, 5,000 रुपए का दिया था, उसमें से मैंने 1 किस्त भर दी है, 1 किस्त और रह रही है, उसके बाद पता चलेगी कितनी लिमिट और देते हैं। बस ऑफ़र में कुछ नहीं है, ऑफ़र बस ऑफ़र अभी इनका ज्वाला चला September 30। ये तो फ़िलहाल वैसे हैं, कोई ब्रांड्स उनके हैं कि इनको आपको इनके ब्रांड से कोई सामान लेना तो उस पर आपको कुछ ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आपको प्रोसेसिंग फ़ीस में कुछ कम करवाने हैं तो उसमें आपको अपना QR, इस समय वो चल रहा है इनका रेफरल September 30 लिख के आप लिख सकते हो, तो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस में कुछ अमाउंट कम हो जाएगा 5,000 रुपये। वो मैं आपको सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और अगर आपको प्ले स्टोर पर ना मिले तो मैं लिंक भी डाल दूँगा, उससे आप डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। और लोन देखो कि आपको ज़्यादा मिले तो यार कमेंट में बताना, हमें तो इतना ही मिला। मैंने 2-3 बंदों का भी करा तो उसको भी यार 4,000, 5,000, 6,000 भी किसी को नहीं मिला यार अब तक, मैं ये कहना चाहता हूँ। देखो यार अगर ज़्यादा लोन मिलता है ना अगर आपको, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में यार ज़रूर बताना कि यार आपको कितना मिला लोन मैक्सिमम से। 10,000 वाले मत बताना यार, 10,000 तक अगर 25,000, 30,000 किसी को इतना लोन मिला हो और ज़्यादा महीने का टाइम मिला हो तो यार पक्का बताना यार, देखते हैं यार कि क्रेडिट भी वाले सही में देते हैं इतना पैसा लोन इनका। ये लगा लो कि इनका लोन का पैसा तुरंत बैंक में आता है, मेरा पैसा मैंने जब इनका विड्रॉल करा था मैं 4:54 पे करा था, 4:55 में मेरे बैंक में पैसे पहुंच चुके थे। तो यार इनकी ये सर्विस तो बहुत फास्ट है बैंक की। अब जबकि होम क्रेडिट वाला है वो आपको अब पैसा 24-48 घंटे में डालता है, भारत पे वाले 4 से 5 दिन के अंदर पैसे डालते हैं। तो यार इनके पैसे की तो यार भाई साहब अब वही है ना यार, पैसा भी तो छोटी अमाउंट है, छोटा अमाउंट तो कोई भी डाल देगा यार फटाफटाफट, कोई दिक्कत ही बात ही नहीं है यार। ये लगा लो यार छोटा अमाउंट था दे दिया फटाफट से। चलो गाइस थैंक यू, अगर सही लगे वीडियो तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब और क्या कमेंट बॉक्स में बता देना यार जो चीज़ मैंने आपसे पूछी है, ठीक है। और एक्सपीरियंस करके देखो यार अपना डालो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करो, ट्राई करो, देखते हैं कितना लोन मिलता है आपको। एंड सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल को। बाय।